आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, यहाँ उपस्थित ठीक है यहाँ उपस्थित हमारे प्रवक्ता विवेकानंद जी, हमारे मीडिया के प्रभारी अशोक जी और राकेश जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, कल का दिन बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। बिहार की सरकार बहुत सारे घोटालों में रहती है, लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि हाईकोर्ट में वकील घोटाला भी हो रहा। कल आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए थे। हम बार बार समझाते थे कि आयोग बना करके अपना फैसला कर लीजिए, इसको लटकाना ठीक नहीं है, पर माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी प्रेस के सामने यह कहा कि नहीं, यह बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। और बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए और बाद में सभी रिव्यू पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया। इसमें लाभ किसको हुआ? तो इसमें लाभ दो व्यक्तियों को हुआ। पहले सबसे बड़े लाभार्थी बने विकास सिंह जी। इनको प्रति हियरिंग के लिए 35 लाख रुपए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आपको जब विड्रॉ कर लेना था, किसी को बहस ही नहीं करनी थी, तो इतने पैसे क्यों दिए गए उस वकील को? दूसरे उतना ही बड़ी अमाउंट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मनिंदर सिंह जी भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं, इनकी भी सेवाएँ ली गई। तो यह बिहार में एडवोकेट जनरल, क्या मुख्यमंत्री की तरह बिहार का एडवोकेट जनरल भी रबर स्टैंप है क्या, जिसका काम है दिल्ली से वकीलों को लाना, लाखों रुपए उन लोगों को देना? और 15 रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि हाईकोर्ट में बिहार सरकार के जितने वकील हैं उनकी क्षमता पर और उनकी बुद्धिमत्ता पर हमें शक होता। अगर यह कोई सिविल का सबसे हमारा कमज़ोर और 6 महीने पास आउट लॉयर भी होता तो भी इतनी गलती नहीं करता। अगर बिहार सरकार 15 रिव्यू पिटीशन दायर करती है तो यह बताता है कि बिहार सरकार के वकीलों की क्वालिटी क्या है। और एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा, हर बार उसे भाड़े पर दिल्ली से लोगों को लाना पड़ता है, लाखों रुपए देना पड़ता है, तो कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ लेन देन का तो चक्कर नहीं है? क्यों एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा? हर बार उसको क्यों और विड्रॉ करने के लिए क्यों दिल्ली से वकीलों को लाने की जरूरत पड़ती है? यह अपने आप में बहुत बड़ा पहला घोटाला है। दूसरा, हाईकोर्ट ने कल जो कहा, हम लोग विगत 1 वर्षों से कहते थे कि आपका शराबबंदी पूर्णतः असफल है, जितने भी राजद के नेता हैं वही सबसे बड़े शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं। आप शराब माफिया और पुलिस मिल करके 1,000 करोड़ रुपए से बिहार का पैसा आपस में बांट लिया जाता है और पूरे बिहार को नशे में ढकेला जा रहा है। कल वर्षों बाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है और जिस प्रकार की टिप्पणी है, उससे पूरे बिहार सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए। अगर कोर्ट यह मानता है कि आप बिल्कुल असफल हैं और आप पूर्णतः एक तरह से नए नशे का बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पुलिस की कोई दिलचस्पी नहीं, और यह बात माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ के बिहार के प्रत्येक जनता को मालूम है कि किस तरह से यहाँ शराब माफिया पुलिस के गठजोड़ से चलता है और कैसे हर मोहल्ले हर घर में शराब सप्लाई होती है, और यह होने के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस प्रदेश का DGP को कोई एक साधारण आदमी फोन करके कहता है कि मैं चीफ जस्टिस बोल रहा हूं और DGP साहब यस सर नो सर करते हुए सभी आदेशों का पालन कर देते हैं, तो वैसे DGP और वैसे पुलिस की तो अक्षमता सभी जग जाहिर है। आज मेरा यह स्पष्ट आरोप है, यह तो एक सिंगल केस था जिसमें SSP का पकड़ा गया, आपने SSP का निलंबन कर दिया। उस व्यक्ति ने कितने आपके प्रधान सचिवों को फ़ोन किया, आपके चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया है कि नहीं किया है, और कहीं आपको भी फ़ोन किया है कि नहीं किया है? जांच तो इसकी भी होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
एक व्यक्ति के आदेश से एसएसपी को बचाया जाता है, यह बताता है कि बिहार में पूर्णतः पुलिस व्यवस्था खत्म हो गई है। पाटलिपुत्रा कॉलोनी में अगर हरनौत के किसी मुखिया का पति है तो उसकी हत्या करने के लिए गांव का जगह नहीं चुना जाता, वह पटना चुना जाता है कि पाटलिपुत्रा थाना के बगल में अगर हम हत्या करेंगे तो हम बच के निकल सकते हैं। अगर ट्रेन में डकैती डालनी होती है तो कहलगांव, बगहा, किशनगंज का कोई कोने का सुदूर इलाका नहीं चुना जाता, उसके लिए भी डकैतों को सबसे आसान और सबसे सुरक्षित डकैती डालने की जगह पटना ही लगता है कि पटना से जब दुरंतो एक्सप्रेस चलेगी तो हम डकैती डालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा में बिहार में कानून व्यवस्था को पूर्णतः खत्म कर चुके हैं। बिहार के अफसरों की जो स्थिति है कि कोई साधारण आदमी फ़ोन कर दे किसी का नाम लेकर के, तो अगर डीजीपी, और जाहिर बात है जब डीजीपी को फ़ोन किया होगा वह व्यक्ति तो प्रधान सचिव को भी किया होगा, चीफ सेक्रेटरी को भी किया होगा, इसकी एक कोर्ट के द्वारा, एक अभी प्रेजेंट हाई कोर्ट के जज से एक भाजपा मांग करती है कि उसकी कमेटी बने और इस तरह के कितने फोन आए हैं और कितने सरकारी अफसर घोटालेबाजों को बचाया गया है, इस पर भी एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। और चौथा जो है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना में बैठ के प्रश्न पत्र अपने प्रश्न तय करती है। यह एक जो कहा जा रहा है कि किशनगंज में किसी ने टाइपिंग मिस्टेक किया गया होगा, यह चौथा बड़ा बिहार का शिक्षा घोटाला है। यह जितने भी प्रश्न सातवां क्लास छठा क्लास के तय होते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षकों को पटना बुलाया था, पूरा बैंक बनाया था। और मेरा माननीय एडवोकेट जनरल, क्या लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में होता है? एडवोकेट जनरल सीधे मुख्यमंत्री का तहत होता है। और पिछले एक साल से लगातार हम लोग कह रहे थे कि वकीलों का अपॉइंटमेंट कीजिए, आप जाके फाइल मंगा के देखिए, लॉ सेक्रेटरी का साइन है, लॉ मिनिस्टर का साइन है, लेकिन एडवोकेट जनरल का उसमें साइन नहीं है। एक साजिश के तहत एडवोकेट जनरल साइन नहीं करते थे, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री ने कहा, अगर वो लॉ मिनिस्टर के अंडर में थे तो किस परिस्थिति में लॉ मिनिस्टर और लॉ सेक्रेटरी दोनों ने जिस फाइल पर साइन किया है उस पर एडवोकेट जनरल का साइन नहीं है। और यह बताता है कि एडवोकेट जनरल मुख्यमंत्री के घर से गाइड होते हैं, कभी भी वो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा गाइड नहीं हुए। सवाल आपसे है कि बाई इलेक्शन, आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सवाल उठाया, आपने बाई इलेक्शन में दोनों जगह से महिला उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन यही बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, वो मिनिस्टर आपके हैं, बलात्कार के मामले में जो दोषी हैं उनको बड़ी करने का काम आपकी सरकार ने किया है, यहाँ तक कि हरियाणा में किसी जगह नहीं। जो सजा होती है सजा पूरा होने के बाद ही, गलत बात मत बोलिए, गलत अफवाह नहीं फैलाइए, जितने दिन की सजा सजा पूरी होने के बाद ही कभी कोई, और वो दिल्ली से गाइड नहीं होता, स्टेट का मैटर है, और किसी भी का भी जो सजा पूरा हो गया उसके बाद अगर कोई स्टेट कर रहा है तो यह उस स्टेट में पूछिए, बिहार के स्टेट में बिहार के प्रश्न पूछिए, और जिनको सजा हुई है उसके बाद ही कोई कार्रवाई हुआ। हाँ, क्या चीज? नहीं, बहुत ही दुखद बयान है, मैं हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, इस तो किसी भी विधायक को सोच समझ के बयान देना चाहिए। मेरी उनसे सीधे बात हुई है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उसके बाद उनका उचित जवाब की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सर, दुरंतो एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया, यहाँ के क्षेत्रीय इसमें हुआ है, तो रेलवे जो है वो केंद्र के अंदर आता है, उसमें भी आपने नीतीश कुमार को खड़गे में शामिल किया है, क्या वो तो जिम्मेवारी बीजेपी? क्या ये जो जितने डकैत थे ये रेलवे में जन्म लिए थे, रेलवे में चढ़े थे, रेलवे में बैठे हैं, रेलवे में लूट रहे हैं? या पूरी की पूरी, एक बिहार में पटना सबसे सेफ जगह हो चुका है, किसी को भी आपराधिक घटना करनी होती है, हरनौत का अगर मुखिया भी है या पति है तो उसकी हत्या करने के लिए पटना ही उचित जगह बताया जाता है, जहां का डीजीपी एक किसी भी सड़क चलते आदमी के फोन से हिल जाए और एसपी को बचाने का काम करे, वहां पे प्रशासन की उम्मीद ही बेकार है।